नहीं इसको में। हाँ वो ऐसे ही निकालेंगे, उन्हें ऐड करने के लिए जल्दी जल्दी से निकाल देंगे। यस देखो सर, अभी ये सब करेंगे, ठीक है। ए टू हमारा क्या है बेटे, सब बच्चे देखो, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, एंड ए सिक्स हमारा क्या है बेटे, ए प्लस 5 डी इज -22। प्लीज जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो भी कोशिश किया करें, मेरे लिए आप सब बच्चे बराबर हैं माशाल्लाह से। तो ऐसा नहीं जो बच्चे बोल रहे हैं वही मेरे फेवरेट हैं या वो अच्छे बच्चे हैं, आप भी माशाल्लाह हैं, बट इन्वॉल्व होइए, जिंदगी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 - 2 माइनस माइनस प्लस, ए कैंसिल, डी -5 इज -4 डी, 38 प्लस 22 इज 60, डी इज इक्वल टू, -15 आप माइनस 12 कैसे कह रहे थे भाई, 12 कह रहा था सलमान, 12 क्यों कह रहे थे मैं ये पूछ रहा हूँ, 15 आ रहा है यहाँ तो। मैंने 60 ले लिया था गलती से। हाँ भाई आप सब बच्चे भी -12 कह रहे थे, गलत क्यों कर रहे हो आप सब बच्चे, -15 नो सर, हमने -15 का आपने -15 का, सर, शाबाश। अरे -15 का था सर, अच्छा फिर ठीक है, पुट इन 1 करिए बेटे शाबाश। अगर आप 1 में 53 करेंगे, अगर 1 आ में गई पुट वैल्यू। करेंगे तो ए -15 इज इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू कितना, 53। ठीक है अब आप खुद ध्यान से देख लो जरा, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको करने की, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मिसिंग टर्म्स आर, आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म 53 आया है, माइनस का 15 करेंगे तो 38 आएगा, माइनस का 15 करेंगे 38 में से तो क्या आएगा, 23 23, माइनस का 15 करेंगे तो क्या आएगा, 8 8, 8 माइनस का 15 करेंगे तो क्या आएगा, 8 -15 -7 -7 -22, तो ये हमारे पास हैं। तो मिसिंग टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 53, 23, 8, -7। तो बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अगर आपने ए और डी निकाल दिया है तो मिसिंग टर्म्स आर ऐसे, अदरवाइज जैसे हमने किया था। तो हमने मिसिंग टर्म कैसे निकाला था कि भाई फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा 53 ही आया है, ए 3 हमें निकालना है तो 53 प्लस 2 डी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 53 -30 कितना आएगा, 23। ए 4 आप चाहें तो 23 में से -15 कर दें, या 53 माइनस सॉरी प्लस 3 × d कर दें, कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। आप चाहें तो जैसा A5 निकालना है तो डायरेक्ट 8 - 15 भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर जैसे मैंने ऊपर लिख दिया ऐसे भी, बिकॉज ये 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, तो 2 मार्क्स के लिए इतना ही रेस्पॉन्स बहुत है। ए डी निकाल लिया तो आप डिक्रीजिंग एपी या इंक्रीजिंग एपी लिख सकते हो, शाबाश। अब अगर आपने ये 2 देख लिए, ठीक है, तो अब आप देखो क्वेश्चन, पहले चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे एक और इजी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा एकदम से सॉल्व करने का, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, तेजी से करना सब बच्चे प्लीज, जिनकी मुझे आवाज नहीं आ रही तो वो भी बच्चे थोड़ा सा कोशिश करें इन्वॉल्व होने की क्लास में, बोलें जरा, यस फटाक से देखो इसमें, क्योंकि एक वैल्यू हमें दी हुई है, एक वैल्यू हमारे पास है, कौन सी वैल्यू है हमारे पास डायरेक्ट, ए, यस ए आ गया, तो डी निकालना है सिर्फ, और डी निकल जाएगा हमारा लास्ट टर्म से, जल्दी बताओ शाबाश सब बच्चे, कोशिश करो जल्दी से। डी क्या आया, कितना टाइम ले, तो यही प्रॉब्लम है, टू ए हमारा है -4, और 1 2 3 4 5 6, ए सिक्स होता है ए प्लस 5 डी, देखो ऐसे लिखना था फटाक से एकदम सर, डी तो 2 था, 2 अच्छा 2 ही आएगा सलमान, थोड़ा सा तो कुछ करने दो शफीमिया। तो 5 डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, 6 + 4, तो डी कितना आ गया, 2, यस और नो सब बच्चे बताओ, जी सर है ना, तो जितना तेज आप कर सके बेटे। ए सिक्स क्या मैंने लिखा है, मैंने इसलिए ए को भी मिस कर दिया, स्किप कर दिया, ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू 6, तो ए की वैल्यू रखी -4, तो डी 2 आ गया। अब अगर डी 2 आ गया बेटे तो मिसिंग टर्म्स आर, तो ए 2 ठीक है कितना हो जाएगा, -4 + 2, 2 एड होना है, ठीक है, ए 3
टू, ठीक है, माइनस टू प्लस टू जीरो, ए फोर जीरो प्लस टू, ए फाइव टू प्लस टू, ये हमारे पास टर्म्स है, ठीक है सर। माइनस भाई हमारे पास क्या होना है, माइनस फोर दिया हुआ है और इसमें प्लस टू करना है तो माइनस टू, फिर प्लस टू करना है तो जीरो, फिर प्लस टू करना है तो टू, फिर प्लस टू करना है तो फोर। तो देखो एपी बन गया, नहीं बन गया जी सर। दैट्स इट, चलो आ जाओ। अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हो आप सब बच्चे। कौन सा लें क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ, थर्ड हमने किया अभी, सिंपल जो गिवन है उसकी बात करना, आंसर आ जाएगा। विच टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एपी दिया हुआ है तो क्या हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, सब बच्चे बताओ। यस सर। क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया? जी सर, फाइव। यस सर, फाइव। अच्छा आपसे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी? सर एन निकालना है। ठीक है सर, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? सर एन निकालना है ना। तो 78 क्या है ये बताइए। एन, एन, यस। हमसे कह रहा कौन सा टर्म 78 होगा, तो हमें पता नहीं, तो हमने सपोज कर लिया लेट nth टर्म इज 78। तो अगर एन लिया है तो हमें निकालना है बेसिकली एन। सर 16 आया इसका। ठीक है, हमें पोजीशन, वेरी गुड बेटे, शाबाश। तो हमें पोजीशन नहीं पता, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू रख दीजिए। आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके लिए रख रहा हूँ, जरूरत नहीं थी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ए एन हो गया 78, ए हो गया 3, एन पता नहीं है, डिफरेंस हमारा 5 है। तो 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 75, 75 से हम डिवाइड करेंगे तो 75 कैंसिल हो जाएगा और 1 को लाके हम प्लस करेंगे तो n कितना आ गया 16, तो 16 टर्म विल बी 78। सर समझ में आ रहा है कुछ कुछ? जी सर। सब बच्चों को आ रहा है समझ में? यस